संपूर्ण जैन समाज को मेरा जय जिनेंद्र। जैसा कि सभी को विदित है, इस वर्ष हम अपने चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी, जिनका 2550वां निर्वाण वर्ष मना रहे हैं, जिसका संपूर्ण भारतवर्ष में नहीं अपितु विश्व में आज भगवान महावीर स्वामी जी का ये निर्वाण वर्ष जो है हर्षोल्लास पूर्वक पूरा वर्ष मनाया जाएगा। और उसी महोत्सव के अंतर्गत एक कार्य जो एक महोत्सव एक कार्यक्रम कौन बनेगा आत्मज्ञानी, जो इस वर्ष भी लुधियाना में होना जा रहा है, जो कि ये पहली बार नहीं हो रहा, पिछले वर्ष भी इसका एक प्रथम सेशन शुरुआत के रूप में लुधियाना में हुआ था। इसको निरंतर जारी रखते हुए आज भगवान महावीर स्वामी जी के निर्वाण उत्सव में इसको कॉन्टिन्यूस दूसरे सेशन के रूप में करवाया जा रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, आज केवल जैन समाज को नहीं, जैनेत्र समाज को भी आज भगवान महावीर स्वामी जी के सिद्धांतों की परम आवश्यकता है। जिस भौतिक वातावरण में, उस वातावरण की चकाचौंध में हम आज खोए हुए हैं, आज हमें उन्हें उस वर्धमान की वर्तमान में अत्यंत आवश्यकता है। आज जैन आउटलुक डॉट टीम के माध्यम से ये जो कार्य भगवान महावीर स्वामी जी के सिद्धांतों को घर घर पहुंचाया जा रहा है, और वो भी आज के इस सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हर कोई आज मोबाइल पे सब कुछ करना चाहता है, मोबाइल पे जो मर्जी करवा लो हर बच्चे से वो करना चाहता है। तो आज उसी पैटर्न पे ये जो कार्य कौन बनेगा आत्मज्ञानी के रूप में, वो भी तर्ज कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से, जो इसी तर्ज पे ये जो कार्यक्रम कराया जा रहा है, वाकई ये बहुत ही अनुमोदनीय है, अत्यंत अच्छा कार्यक्रम है। मैं अपनी ओर से श्री आत्मानंद जैन सभा लुधियाना, हमारे अध्यक्ष महोदय राकेश जैन जी नारोवाल वाले, समस्त कार्यकारिणी पदाधिकारियों की ओर से, समस्त लुधियाना नहीं अपितु नॉर्दर्न इंडिया नहीं अपितु समस्त भारतवर्ष के युवा वर्ग से खास करके अपील करूंगा कि आप इस कार्यक्रम में अवश्य से जुड़ें और भगवान महावीर स्वामी जी के सिद्धांत जो आज के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसको अपने जीवन में लेकर आए, ताकि हमारा जो जीवन, मानव जीवन हमें मिला है, हम उसकी सार्थकता अवश्य से कर सकें। पुनः पुनः सभी से निवेदन है, सभी जितने भी हमारे माँ बाप हमारे एज के ग्रुप के हैं, सभी से प्रार्थना करूँगा, आप सभी अपने अपने बच्चों को इस कार्य में जोड़ें, आप भी जुड़ें और बच्चों को भी जोड़ें, और करने वाली टीम को उत्साहित करें, ताकि इस तरह के कार्यक्रम हमारे समाज में होते रहने चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव, गुरुदेवों का आशीर्वाद और उसके ऊपर परमात्मा की कृपा हम पर बरसती रहनी चाहिए। इसी मनोभाव के साथ पुनः पुनः संपूर्ण टीम को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।